एक बेहतरीन ऑफर लगे हुए यहाँ पे, मन करता है कि सब एक एक करके उठा लो। तो गाइस हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, निकलने के लिए कुछ प्लान करो, बट आजकल क्या ना सर्दियाँ चल रही है तो कुवैत में, और सर्दियाँ चल रही है तो दिन छोटे हो जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं अभी हो चुका है अंधेरा। कुछ प्लान था हमारा कुवैत टावर के पास जाने का, और हम पहुंच चुके हैं कुवैत टावर, और एक बार एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों के साथ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज मुनाफा। आई होप यू गाइस हैविंग एन अमेजिंग डे। मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि मैंने जब से वेकेशन के बाद से आया हूँ मैं कुवैत में, मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने बोला चलो मौसम भी अच्छा है और अभी वक्त भी मेरे पास था, मैं सुबह ही फ्लाइट से आया, तो मैंने सोचा लेट्स गो टू एक्सप्लोर समथिंग। बहुत दिनों से लग घर वाले निकले भी नहीं घर के बाहर, तो मैंने बोला चलो कहीं ना कहीं जाते हैं। तो वी आर नाउ हियर एट कुवैत टावर। फिलहाल मैंने अभी जस्ट गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे, और कुवैत टावर मेरे पीछे है। लेट मी सी व्हाट वी कैन डू हियर और क्या क्या करते हैं। लाइटिंग की कमी की वजह से आई एम रियली सॉरी। वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है आई डोंट नो। इसका मतलब दिन में अलग है, रात में काफ़ी अलग है, देख सकते हो आप लोग क्या चमक रहा है यार, ये अमेजिंग। और यहाँ पे देखने को मिलेगी आप लोग को इतनी बेहतरीन सी गाड़ी पार्किंग में, और मेरे सामने कुवैत टावर, और ये रहे हम लोग। सो गाइज अभी हम लोग टावर के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, तो यहाँ पे मुझे कुछ दिखा जो कि यहाँ पे एक वाटर पार्क है गाइज। तो ये पता नहीं कब खुलता है या बंद है हमेशा के लिए, मैंने कभी से खुला नहीं देखा। अगर किसी ने देखा होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर ये खुला रहेगा तो यहाँ पे भी एक बार जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये बाउंड्रीज पूरी उसी की लगाई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे कुवैत टावर कांगे रहे भाई साहब, ये रहा हमारे पीछे, और हम लोग उसके नीचे इर्द गिर्द पे सा वॉक करते हुए हम लोग चल रहे हैं अभी। तो फिलहाल तो मौसम बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि सी साइड है, तो सी साइड का मज़ा तो बहुत अलग ही होता है। एंड वहाँ पे जो सी लाइन है कुवैत की, वहाँ पे वो बहुत ही बेहतरीन सी दिख रही है। तो वो भी मैं एक राउंड जब हम लोग को कंप्लीट होता है तब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एंड ऑब्वियसली मैकडोनल्ड्स, अगर कुवैत में मैकडोनल्ड्स कहीं ऐसे अट्रैक्शन की जगह पे ना हो तो बात बन ही नहीं सकती है। जंक फूड तो चाहिए हम लोगों को। गाइस हम लोग देखने आए थे मैकडोनल्ड्स के अंदर, और क्योंकि यहाँ पे बाहर फ्लाइट्स वगैरह थे इसके लिए, बट यहाँ पे अंदर आने के बाद आई एम अमेज्ड यार, इतना बड़ा मैकडोनल्ड्स यार, बहुत इतना बड़ा यहाँ कुवैत टावर के इधर बना है मैकडोनल्ड्स, मानना पड़ेगा बस इन लोगों को। तो हम लोग ने अंदर बैठने के लिए लाइक ऐसी कॉफ़ी ले ली है, तो थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, बाहर थोड़ी ठंडी है तो गरम गरम कॉफ़ी का कुछ मज़ा ही और होगा। तो कॉफ़ी पीते और बाहर थोड़ा यमुना को भी खिलाने लेके जाएंगे, फ्लाइट्स वगैरह बहुत सारी है, तो अभी अंदर गर्म होने लगा है अभी हम लोग को, तो लेट्स गो आउटसाइड। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैकडोनल्ड्स के बाहर मस्त है, किड जोन है यहाँ पे, तो बच्चे लोग मस्त फुल यहाँ पे आके खेल रहे हैं, और यमुना भी फुल यहाँ पे एंजॉय कर रही है। और ऐसे पीछे नज़र डालोगे ना तो कुवैत टावर कहीं से भी दिख जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं यमुना को लेके जाता हूँ, और वो बहुत डर रही थी अभी फिलहाल, अभी यहाँ से उसको स्लाइड कराएंगे हम लोग, उसका डर भगाएंगे। ओके जा, कम कम फास्ट कम फास्ट, आ जाओ चलो। तो यहाँ पे जो छोटा ब्रिज है ना उसमें यमुना बहुत डर रही थी, अभी उसका जाके डर निकला है। एंड उसकी ऑल टाइम फेवरेट उसकी स्लाइड। यस 1 2 3 वाह चले, बहुत मजा आ रहा है इसको। वाह व्हाट इज दिस, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस नहीं नहीं दिस इज स्पाइडर, स्पाइडर इन सीन सी स्पाइडर क्लाइम अप द हिल। और क्या और क्या और क्या, अभी अभी फिर से डरेगी। Yes, come. Yeah, yeah. Yeah. Yes. चलो तो क्या करेगा मैं? Yes. Ah, no, no. Yes. Okay. चलो come. Wow,
बहुत सही बनाया यार, बच्चे लोग तो बच्चे लोग, बड़े लोग भी एंजॉय करें यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे जो ये जो लोग की फ्लोरिंग है बहुत अच्छी है, बच्चे लोग अगर गिरते हैं यहाँ पे तो किसी को कोई चोट नहीं लगेगी, उसका डर नहीं है। तो इसके लिए माँ बाप लोग अपने बच्चे लोग को छोड़ दिए और बच्चे लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जस्ट फारिक हुए हम लोग यमुना को खिला के। और गाइस ये एरिया की खास बात ये है कि जहाँ से भी देखो टावर आप लोग को बेशक दिखेगा। और फिलहाल हम लोग अभी जा रहे, हो गया हम लोग का यहाँ पे रिलैक्स करके, थोड़ा एंजॉय करके। और अभी करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग ग्रॉसरी की, और यमुना के डायपर्स वगैरह लेने वो सब लेंगे। तो देखिए कौन से मॉल जाते हैं, या तो ग्रैंड जाएंगे या तो सिटी सेंटर जाएंगे, दोनों में से एक जिसमें भी ऑफर लगा रहेगा उसमें जाएंगे अभी हम लोग। तो वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार हम लोग किस तरीके से शॉपिंग करते हैं यहाँ पे कुवैत में। और बस एक बार देख लो आप लोग इस खूबसूरत से कुवैत टावर को, जो हर कुवैत की नोट यानी KD पे आप लोग को दिखेगा, इसी की पिक्चर होती है। तो अभी ढूंढनी पड़ेगी हम लोग ने कार पार्क कहाँ की थी, तो पहले पार्किंग ढूंढते और निकलते। तो गाइस यहाँ पे रेंट भी कर सकते हो आप लोग इस स्कूटी वगैरह को, जैसे बच्चे लोग यहाँ पे रेंट करके चला रही है आजकल, जो ई स्कूटर चल रही है वो वाली। और हम लोग आ चुके हैं हमारी पार्किंग में। तो ऑफिशियली कुवैत टावर होता है ख़त्म, समाप्त, और शुरू होती है हमारी शॉपिंग की बारी। तो लेट्स गो फॉर शॉपिंग गाइस। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सिटी सेंटर में, गाड़ी फिर से और एक बार पार्क कर दी। पेड पार्किंग है बट सेफ पार्किंग है, टेंशन नहीं है कुछ। गाइस अभी हम लोग एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे भाई साहब आपका पैसा पूरा ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑफर से ऑफर लगे हुए रहते हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसी जगह से लाइक अपने आप को संभालना चाहिए, बिकॉज एक से एक बेहतरीन ऑफर लगे हुए यहाँ पे। मन करता है कि सब एक एक करके उठा लो और जितना लो उतना कम ही लगेगा आप लोग को। तो फिलहाल बच बच के यहाँ से निकलते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफर एक से एक लगे हैं। आप लोग भी आना ट्राई करना सिटी सेंटर में। तो गाइस अभी सिटी सेंटर में तो हम लोग घूम ही रहते हैं, बट यहाँ पे एक अंदर दुकान दिखी हम लोग को। तभी अंदर हम लोग उसे, इस शॉप का नाम कुछ है जापान समथिंग कुछ है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखेंगे ना आप लोग, एक से एक भारी भारी प्रोडक्ट है, और ऐसे प्रोडक्ट देखने में बहुत मज़ा आती है। इसे आप देख सकते हो आप लोग, पूरा लाइक क्रिसमस का सामान है यहाँ पे, जितना चाहिए उतना। और दूसरे साइड भी बहुत कुछ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है ये शॉप, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ छोटी मोटी चीज़ें, जैसे 100-200 फिल्स, 500-600 फिल्स में से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। दोस्तों शॉपिंग करते करते पता ही नहीं चला कि व्लॉग भी करना होता है मुझे। तो फाइनली शॉपिंग इज़ डन, सामान पूरा आ चुका है घर का, डेली यूज़ का सामान। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा जितना मुझे बनाने में मज़ा आया। ठीक है, कुवैत टावर वॉज अमेजिंग। लाइक मैं 2-3 साल बाद कुवैत टावर गया था मैं। तो ठीक है, अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो अगर मेरे चैनल पे तो मेक श्योर यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलता हूं आपको कोई अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि एंड पीस आउट।